अनदर डे अनदर वीडियो। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज सौरभ तिवारी और आज की राइड है मेरा रोड से वसई फोर्ट के लिए। अरे यार क्या बवाला फूटा है लेकिन, एंड ये बंदा जब से आया स्नैपचैट के पीछे पड़ा हुआ है। क्या चाहता है मेरे फोन से कंपेयर करूं? नहीं रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है। द राइड इज ऑर्गेनाइज बाय रेवलुट्स फाउंडेशन इंडिया एंड आई गेस दिस इज टू स्प्रेड द अवेयरनेस अबाउट द अंडरप्रिविलेज्ड चिल्ड्रन। एंड जो मेरा स्टार्टअप है लर्न लॉजिक्स, इट इज ऑल्सो अ प्राउड स्पॉन्सर सपोर्टर फॉर दिस इवेंट एज वेल, सो आई एम प्रीटी एक्साइटेड। सो अभी चल रहा है प्री राइड ब्रीफिंग एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप ग्रुप राइड कर रहे हो। सोलो राइड में आप अपने हिसाब से कहीं भी जा सकते हो, बट व्हेन यू आर राइडिंग इन ग्रुप यू हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स, सर्टेन फॉर्मेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ सिग्नल्स होते हैं तो यस आई गेस दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो एज यू कैन सी ब्रीफिंग खत्म हो चुका है, सभी राइडर्स अपने अपने बाइक कोल्ड स्टार्ट कर रहे हैं। एंड आई वांट टू इंट्रोड्यूस टू समवन द फर्स्ट एवर पपी राइडर, ये देखो। सो यस राइडर्स हैव असेंबल्ड, सबका फॉर्मेशन हो चुका है। एज यू कैन सी टीवीएस इज वन ऑफ आवर मेन सपोर्टर एज वेल। आरी वाले नहीं आए, कोई नहीं, बट या जाके दबा दो लाल बटन यार, प्लीज गो एंड इतना खाली रोड मिल जाए तो बाइक के मजे ही मजे, इतने खाली रोड मिल जाए तो बाइक के इंजन के मजे ही मजे, बाइकर के मजे मजे, बट यार मुंबई के बाहर ही मिल सकता है, मुंबई में नहीं मिलेगा इतने मजे। जो मिल रहा है उसको एंजॉय करो यार चुपचाप। और मैं बोल ही रहा था कि ये लो वेलकम टू लद्दाख। लोग कहाँ कहाँ से लद्दाख जाते हैं, हमको तो बस 10 किलोमीटर निकलना है एंड वील फाइंड सच स्पॉट, बट आजकल तो पूरा मुंबई खड्डे में खदा पड़ा है। सो पूरा मुंबई में लद्दाख वाला फील मिलेगा भाई। बहुत बेकार रोड है यार, सस्पेंशन की तो पैंड बन गई। एंड हम आ चुके हैं, दिस इज सोसाई फोर्ट, सब बाइकर्स लगा चुके हैं खड़े हैं अपने हिसाब से। अंदर कहाँ जा रहे हैं? एंड ये रही अपनी बाइक, इधर खड़ी है ये रही। वाह कितना भी देखो यार मन नहीं भरता है। और ये भाई साहब मीरा रोड से ड्रोन के पीछे पड़े हुए हैं डेडपूल साहब। और अभी क्या है, क्लासरूम बुक किया है जहाँ पर सबकी क्लास लगने वाली है। तो बेसिकली वहाँ पर हम लोग ये बातें होंगी कि व्हाट इज़ रेवोल्यूट फाउंडेशन, व्हाट इज़ द मोटिव एंड बाकी स्पॉन्सर्स के बारे में वहाँ पर थोड़ा सा टीम डिस्कशन होने वाला है। सो चलिए आपको क्लासरूम दिखाता हूँ। और ये यहाँ के बच्चे, बड़े बड़े बच्चे, ये देखो चढ़ के बैठे हैं ऊपर। क्या ही बोले अभी, तो हम पिछले
12 साल से एक्टिविटीज करते आ रहे हैं एंड वी हैव ऑलवेज बीन 100% चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन. सो वी स्टार्टेड आवर जर्नी एज यंगस्टर्स एंड तो पहले व्हेन यू नो पॉलिटिशियंस वर इनटू यंगस्टर्स कैन ब्रिंग चेंज व्हेन दे गेट इनटू पॉलिटिक्स. सो वी वर दैट वी यंगस्टर्स कैन ब्रिंग चेंज विदाउट गेटिंग इनटू पॉलिटिक्स एंड इट्स कॉलेज का छोटा सा 6 जन का ग्रुप turned out to be a group of 4,800 across India and we covered almost all the you know parts of Mumbai. So every station by station, matlab aap Borivali bole, Andheri bole, Jogeshwari bole, we had branches everywhere. Branches that doesn't mean ki hume office set up karna zaruri hai. Jab meeting chal raha tha, this guy was constantly staring at my bike. Fir maine jab pucha to isne bola ki isko bike chalu karna hai. But look at the happiness that he is getting from that yaar. भाई लुक एट दिस. कितनी बार है ब्रेकफास्ट हो गया. आप सभी स्पॉन्सर्स को सर्टिफिकेट दिया जा रहा है फॉर देयर एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट. मुझे भी मिला एक सर्टिफिकेट बट अनफॉर्चुनेटली किसी ने मेरा वीडियो में लिया एक फोटो है खाली. कैसे कैसे लोग रहते हैं यार. कमाल है यार. कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर. चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम. बहुत दर्द हो रहा है भाई. ठीक है फोटो तो है कम से कम. And that's it. We are going back to Mira Road now. Ride खत्म हो चुकी है. हमने decided कि हम ferry use करके जाएंगे because इतने धूप में मुझे bike चलाने का बिल्कुल मन नहीं है डेढ़ घंटा और. And they are saying 20 minutes लगता है 30 rupees per person 30 rupees for bike. So it's quite reasonable and काफी अच्छा service है चालू होने के बाद. काफी लोगों को help रहेगा क्योंकि by road travel करना Mira Road से बस से is time consuming and hectic. Also have an upper deck over here, तो चलो आपको अपर डेक से भी व्यू दिखाता हूँ. आई एम श्योर अच्छा ही होगा नीचे से. ना ये जो हालत है इसलिए हमने वहाँ पर होली भी खेली थी थोड़ी सी. बात अलग है सब पेंटर्स लग रहे हैं हम लोग. भाई को जहाँ टाइम मिलता है वहाँ फंसा जाता है. अगर मैं इसको पानी में डालू तो कहना इसे एक बाइकर पानी में गया छपा कहना है. क्या टाइम पे एंट्री मारी है भाई. 10 सेकंड लेट होता ना बोट शिप निकल जाती. जस्ट अभी चालू हुआ इंजन एंड ये भाई साहब ने एंट्री मारी है भाई. सी दैट ब्रिज. वो ब्रिज जो भाईंदर नायका को कनेक्ट करता है वैसे ही जाने के लिए. एंड मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ. हम लोग ऑलमोस्ट पहुँचने वाले इफ यू कैन सी ओवर देयर. वहाँ पर हम लोग 2-3 मिनट में उतर जाएंगे दैट्स भाईंदर. और एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको कि ये बंदा है किधर गया. हाँ ये बंदा पिछले 20 मिनट से लगातार इस पोजिशन पर खड़ा है टाइम लैप्स बनाने के लिए. भाई हैट्स ऑफ टू योर डेडिकेशन. मतलब लगातार खड़ा है.
एंड वी हैव रीच्ड भयंतर इन 22 मिनट्स अप्रोक्स। काफ़ी अच्छा सर्विस था, काफ़ी आराम से पहुंच गए। अगर वीडियो देख लिया यहाँ तक तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट योर व्यूज एज वेल एंड टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। विल बैक वेरी सून।